सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है। अन्य लोग अगर कहीं आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे, लॉकडाउन में सर्विस छूट गई, कई लोगों की छूट गई, कंपनियां कई बंद भी हो गई, कई कंपनियों से निकाल भी दिया गया, कहीं पत्नी परेशान हो रही है, कहीं पति परेशान हो रहा है, अब कहीं अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसा माता उमा ने प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री का स्मरण किया है, वो बेलपत्र का स्मरण अगर संसार का मनुष्य कर लेता है तो महाराज ब्रह्मवृत्ता पुराण कहती है कि उस जीव का ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफल नहीं होता, नहीं लग रही सर्विस नहीं लग रही। तो महाराज तांबे के कलश में 11 बेलपत्र को रखा जाए और तांबे के कलश में 11 बेलपत्र रखकर उसमें 11 सफेद पुष्प को डाला जाए, लाल चंदन घिसकर कटोरी में लेकर जाइए, प्रदोष के दिन शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष पड़ जाए उसके दिन शंकर के शिवलिंग पर लाल चंदन लपेटने से पहले शंकर की जो जलाधार, शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार जलाधारी में विराजमान है। एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो और चाहते हो कि मेरी नौकरी इसमें लगना ही चाहिए, तो लाल चंदन का लेपन आपको इस पूरी जलाधारी पर करना है। लाल चंदन का इस कलश में आपने घर से 5-11 बेलपत्र और 11 सफेद पुष्प जल के अंदर डालकर लाए हो, उसको आप चढ़ाएंगे तो इस तरह से चढ़ाएंगे कि उसका भाग हमें दिखे चढ़ते समय, ऐसे नहीं चढ़ाना, उसको चढ़ाते समय इस तरह से चढ़ाएं कि वो जल का भाग हमारी ओर गिरता हुआ। महाराज जब आप वो समर्पित कर दें बेलपत्र पुष्प आदि सभी चीजें, उस चंदन का एक थोड़ा सा भाग पूरी जलाधारी पर हाथ फेर कर अपने दरवाजे पर आते आते उसका स्पर्श कर दें, जिस दरवाजे से आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, जिस घर से आप जाओगे अपने घर के किसी भी दरवाजे पर उसका हाथ लगा दें या कोई स्थान को छू लें। आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है इसके नीचे शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं। इस जड़ के नीचे प्रयास करा करो, एक चुटकी हल्दी, कितनी, मात्र एक चुटकी हल्दी, आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव है, हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर पूर्व की ओर मुख कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे शुक्रवार की शुक्रवार करें या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें, सोमवार की सोमवार कर लें, तो आंवले की जड़ के नीचे अगर हमने हल्दी रखकर जल का भाग समर्पित करा है पूर्वाभिमुख होकर, तो अगर व्यापार नहीं चल रहा है, एक हफ्ता हो गया बैठे हुए हो, कोई ग्राहकी नहीं है, तो एक बार करो, दूसरी बार करने जाओगे तो आप अपने आप दौड़कर जाओगे कि मेरा एक हफ्ते से व्यापार अच्छा चल रहा है। आप दूसरी बार करोगे तो आपको ये ज्ञान उपदेश ये प्राप्त हो जाएगा, अपने आप रिजल्ट सामने आएगा कि हाँ हमने आंवले के वृक्ष के नीचे हल्दी को समर्पित करा था और उसको चढ़ाने के बाद हमने जो जल चढ़ाया है उसका फल हमको प्राप्त हो। एक एक दुर्वा, कितने दुर्वा, एक दुर्वा, मात्र एक दुर्वा, शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल जब नीचे की ओर आता है, जिस जगह पर जल गिरता है उस जगह पर मात्र एक दुर्वा प्रदोष के दिन अपनी कामना कर कर इस शरीर के सुख के लिए शंकर भगवान के जल गिरने वाले स्थान के पास में अब अवधूतेश्वर महादेव के नाम से रख दी जाती है तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती। उसी की तरह जिससे रोग को समाप्त करने के लिए दुर्वा का प्रयोग किया गया, मात्र एक दुर्वा प्रदोष के दिन शिवलिंग पर चढ़े हुए जल जहाँ से नीचे की ओर गिरता है उस जगह पर मात्र अपने शरीर की कामना करते हुए भगवान से रोग मुक्ति के लिए एक दुर्वा अगर समर्पित कर दी जाए तो कोई बड़ी बीमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकती, ग्रहण ही नहीं पा अलग ग्रसित नहीं। एक स्मरण आपको रहे, ध्यान रखिए, जब आपको लग रहा है कि मेरे बेटा बेटी, मेरे बेटा बहू या
मेरे परिवार का सदस्य ठीक राह पर नहीं जा रहा, सही जगह पर नहीं जा रहा, तो पीपल के वृक्ष के नीचे, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे कोई देवता का मंदिर ना हो या कोई स्थान ना हो या कोई मूरत ना हो। आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे भटक गए, मेरे बच्चों ने मार्ग भटक गए और सही मार्ग पर नहीं जा रहा, तब आप पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान पिपलेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव जम के बोलो जरा, पिपलेश्वर महादेव के नाम से प्रदोष की प्रदोष प्रदोष काल में आप पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान को पिपलेश्वर महादेव के नाम से दीप लगाना प्रारंभ कर दें। और एक बात का स्मरण रहे आपको, आप पिपलेश्वर महादेव के नाम से जब दिया लगाएं तो आपके स्मरण में रहना चाहिए कि मेरे जो बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, मेरे जो बच्चे परिवार के लोग गलत पथ पर जा रहे हैं, वो उनका मार्ग, हे पिपलेश्वर महादेव आप उनका मार्ग सुलभ करें और उसको सतमार्ग की ओर ले करें। उनको गलत मार्ग से निकालकर सतमार्ग की ओर पिपलेश्वर महादेव के नाम से जब हम दीप लगाएं तो भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमारा मार्ग सुलभ करें। हमारे बच्चे गलत मार्ग की ओर चले गए हैं, उनका मार्ग सुधार दीजिए, उनका मार्ग सवार दीजिए। शंकर भगवान ने कहा था लक्ष्मी बस इतना करना, प्रत्येक सोमवार के दिन तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना और वहां बैठकर वहां पर झाड़ू लगाना। शाम के समय जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन दिया लगाए उसके घर में तो प्रवेश कर जाना। आज भी नियम है, अगर जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकी, जिसके यहाँ संपदा नहीं बढ़ती, जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके सर्विस नौकरी सही नहीं हो रही, उसको सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दिया लगाता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। आज भी नियम है, जिसकी 18 साल 20 साल तक संतान नहीं होती, अगर वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर खीर खिला देता है और वही झूठी खीर जिसका गर्भ नहीं ठहरता वो खा लेता है, मात्र 2 महीने के अंदर उसका गर्भ ठहर जाता है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे आज भी लक्ष्मी निवास करती है।